Hope all of you are doing great. Today the video lecture is about कि कैसे मैं एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकता हूँ बाई यूजिंग अ सिंगल कमांड सी ओ। तो लेट सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है जिसकी डायमेंशन 1303x2384 mm है। ओके, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। ये बेसिकली एक सोलर का पीवी मॉड्यूल है। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 25.4 mm या 1 इंच की स्पेसिंग पे, तो मैं यूजिंग रेफरेंस लाइंस वो स्पेसिंग क्राइटेरिया को डिफाइन करूंगा। तो उसके लिए कमांड क्या होगी, एक्सेल एंड देन एंटर करूंगा वी, क्योंकि मुझे वर्टिकल रेफरेंस लाइन चाहिए। ऑफसेट की कमांड यूज करते हुए मैं स्पेसिंग डिफाइन करूंगा। अच्छा, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट टोटल मुझे 5 सोलर पैनल्स चाहिए, तो मैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और सी ओ एंटर करूंगा जो कि कॉपी की कमांड है। उसके बाद ये अगर मैं माउस होवर करूं तो आ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ये मैंने बेस पॉइंट को डिफाइन कर दिया है। अब मैं एंटर करूंगा ए, ये देखिए आप, ये कमांड आ रही है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट और अरे। तो चूंकि मुझे मल्टीपल कॉपीज जनरेट करनी है, सो आई विल एंटर कैपिटल ए। सो मैंने अरे ए एंटर किया। अब ये मुझसे पूछा है एंटर नंबर ऑफ आइटम्स टू एन अरे, कि मुझे एक ऑब्जेक्ट की कितनी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करनी है। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने रेफरेंस बनाया हुआ है। मुझे टोटल सोलर पैनल्स या टोटल रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स चाहिए थे 5। अब एक ऑब्जेक्ट को मैंने रेफरेंस बनाया हुआ है, रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 4, लेकिन मैं 5 एंटर करूंगा क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस बनाया हुआ है। अभी एक ऑब्जेक्ट 1 कंसिडर नहीं हो रहा, तो मैं 5 को एंटर करूंगा और ये स्पेसिंग डिफाइन कर दूंगा। चूंकि ये 25.4 mm यहां से यहां तक है, तो मैं इस पॉइंट पे सिलेक्ट करूंगा। तो ये मेरे पास टोटल 5 सोलर पैनल्स आ गए। और इसको मैं क्विक प्रॉपर्टीज टूल की से यूज करते हुए इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। तो आपने जस्ट इस पे कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है और इधर एक ऑप्शन आ रही है क्विक प्रॉपर्टीज, इसको आपने चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने से आप जस्ट इसको होवर करके सिलेक्ट करेंगे, तो ये मेरे पास आ रहा है कि ये पॉलीलाइन के 5 मेरे पास पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट्स हैं, मीन्स के क्लोज ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक वजह थी कि कैसे हम रेक्टेंगुलर कॉपी टूल को यूज करते हुए हम मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर अरे है वो ही बनानी पड़ेगी और टाइम उस पे कंपेरेटिवली ज्यादा यूज हो रहा होता है। तो ये आज के वीडियो लेक्चर था, होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। एक कॉपी टूल से जस्ट एक ऑब्जेक्ट नहीं हम कॉपी कर सकते, बल्कि विद इन नो टाइम मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। और आने वाली मल्टीपल ऑटोकैड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।